Hello friends, this is Vidyut Vishwas and welcome to my channel Hidden Gem of Stock Market by Vidyut Vishwas. जिसे फ्रेंड्स हर वीक आप लोगों के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो बनाता हूँ। इस वीक भी वही बना रहा हूँ जो नेक्स्ट वीक आगे वाला आने वाला वीक क्या हो सकता है। जिसे लास्ट वीक मैंने बोला था जो बहुत ज्यादा करेक्शन तो दिख नहीं रहा, लेकिन करेक्शन का मतलब इस वीक की बहुत ज्यादा करेक्शन हुआ। एक्चुअली क्या होता है, करेक्शन का जो एंड फेज होता है, करेक्शन आज से चालू नहीं हुआ, अगस्त से चालू हुआ करेक्शन। तो अगस्त से अभी तक जो करेक्शन चल रहा है उसका लास्ट फेज जो होता है ना, उसमें उसको कैपिटुलेशन पीरियड कहते हैं। उस टाइम में क्या होता है, बुल का कंप्लीट सरेंडर होता है। जैसे हम लोग पीछे का देखा, मतलब बियान ने पूरा उल्टा लटका दिया बुल को, और एक्चुअली हमारा सबका हालत भी ऐसा ही है। इस वीक में सबका पोर्टफोलियो को ऐसा ही उल्टा लटका दिया बियान ने। तो लेकिन अभी बात यह है, मतलब ये फेज कब ओवर होगा, जिसे हम लोग फेस कब ओवर होगा और इस जगह पे अगर देखेंगे कोई लाइट ऑफ, इज देयर एनी लाइट ऑफ होप कमिंग फ्रॉम यूएस मार्केट, तो यूएस मार्केट से भी कोई लाइट, क्योंकि होप का लाइट दिख रहा है या नहीं, क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो सबको पता है, सिर्फ इधर का नहीं पूरा वर्ल्ड का मार्केट यूएस मार्केट का वो ही फॉलो करते हैं। जो उधर आज होता है कल हमारा मार्केट में भी वही होगा। तो इसमें नया कुछ बात, चलो अभी पहले तो देख लेते हैं यूएस मार्केट से। जैसे लास्ट वीक मैंने बोला था जो नास्डैक भयंकर ओवरसोल्ड जोन में है, ये नास्डैक का देखो डेली चार्ट पे ओवरसोल्ड जोन नहीं है। नहीं, कोई भी बड़ा करेक्शन आप निफ्टी में देख लो या तो बैंक निफ्टी, मतलब कोई भी वर्ल्ड मार्केट देख लो, कोई भी बड़ा करेक्शन जब एंड कब होता है, जब आरएसआई 30 का लेवल पे रहता है। वीकली चार्ट पे मैं बोल रहा हूँ, डेली चार्ट पे नहीं, डेली चार्ट पे होता है तो परमानेंट रिवर्सल नहीं होता, लेकिन वीकली चार्ट पे जब 30 के नीचे जाता है और उस जगह से रिवर्सल आता है, उसको उस जगह से परमानेंट रिवर्सल मिलता है। चलो अभी लास्ट वीक मैंने बोला था नास्डैक से रिवर्सल पे है, तो और उसके बाद देख लेते। देखो इस वीक बहुत ही ज्यादा नीचे गया था, लेकिन उधर से शार्प एक वो मिला। चलो नास्डैक का चार्ट निकल के उसी बात करते। देखो नास्डैक का वीकली चार्ट देखेंगे तो इस जगह से देखो एकदम 30 का लेवल पे है आरएसआई। पहले भी एक बार उसके आसपास आया था, जिसे जब इस जगह पे था तो उसके बाद एक बाउंस मिला था फिर से आके उसके नीचे। चलो अभी लास्ट टाइम का जितना करेक्शन हुआ वो कैसे बाउंस हुआ वो देख लेते एक बार, कौन सा जगह से वीकली चार्ट से। देखो एक तो हुआ था कोविड के टाइम, उस टाइम 30 के नीचे गया था और शार्प बाउंस हुआ था। कोई भी वर्ल्ड मार्केट का कुछ भी शार्प बाउंस हुआ था, लेकिन बाकी टाइप का जो करेक्शन है, देखो जो 2013 का करेक्शन है वो कैसे हुआ था, ऊपर से नीचे आया। देखो इस जगह से बाउंस मिला 36 से, 36 से बाउंस मिला तो फिर से नीचे आया, वो भी 35 से। तो वो रिवर्स, मतलब परमानेंट रिवर्सल नहीं हुआ, लेकिन फिर से जो आया 30 के आसपास से जो बाउंस मिला वो परमानेंट हुआ और इस जगह से मतलब नया अपमूव चालू हुआ था। तो देखो 30 और 30 के नीचे से जो भी बाउंस हो रहा है वो परमानेंट अपमूव हो रहा है। तो इस जगह पे देखो ये 30 का अभी तो क्या है, 30 दिख रहा है, लेकिन ये क्योंकि इस जगह पे थोड़ा सा बाउंस मिला था 30 वीक के बीच में, 39 ऐसा मतलब 29 के आसपास आ गया था वो। एक पुराना भी थोड़ा देख लेते, देखो कोई भी बड़ा करेक्शन जो हो रहा है तो वो 30 के आसपास आके खत्म हो रहा है और उसके बाद नया ट्रेंड चालू होता है। जैसे इस जगह पे भी आप देखोगे एक करेक्शन है, नया ट्रेंड है। इस जगह पे भी देखो कितना 32 से वापस आया था ये कितना 2011 में। तो कहां पर भी जो मैं इसके बोलना चाहता हूँ, जब भी नास्डैक 30 के नीचे जाता है और 30 के आसपास जाता है वीकली चार्ट पे, तब एक करेक्शन एंड होता है। तो अभी थोड़ा इसका एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी देख लेते। देखो पहले दूसरे बात मैंने उस दिन बोला था, ये जो सपोर्ट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इधर से बाउंस बैक करेगा। तो लेकिन ये सपोर्ट जब तोड़ा नीचे आया, लोग मेरे को बहुत सारे लोगों ने ट्रोलिंग किया था, ये सर आपने तो बोला था, देखो इस सपोर्ट को ऊपर ही एक क्लोज हुआ इस जगह पे और क्या थे ड्रैगन फ्लाई दोजी जैसे बनाया। तो अभी इसको क्या चाहिए, और अभी इस जगह पे देखो अभी भी करेक्शन ओवर कब बोल सकते, जब इस जगह पे एक
एक ग्रीन कलर का कैंडल, मतलब चलो मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, इस जगह पे ग्रीन कलर कैंडल बनेगा तो परफेक्ट एक, मतलब मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार जैसे करेक्शन, मतलब मॉर्निंग स्टार जैसे वीकली चार्ट पे बनाएगा। और इस वीक में ये पॉजिटिव चार्ट अगर बना दिया तो बोल सकते हैं नाजक का करेक्शन ओवर है। और इस जगह पे देखो RSI पे भी, जिसे हर जगह पे जब भी वापस गया देखो डबल बॉटम जैसे बनाया, इस जगह पे बनाया, इस जगह पे भी बनाया, जब भी मतलब वो बना था एक डबल बॉटम जैसे, कहाँ पर भी इस जगह से इस जगह तक, इस जगह पे भी देखो डबल बॉटम टाइप का बनाया, जिसे कहाँ पर भी मतलब ट्राई मैक्सिमम टाइम ऐसा डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनाते हैं, जैसे इस जगह पे भी वैसा है। तो मैं ये नहीं बोलना चाहता कि करेक्शन ओवर हो गया या नहीं, लेकिन मेरे को जो दिख रहा है 30 के नीचे से जब भी ऊपर आता है वीकली चार्ट का, तब एक रिवर्सल दिख रहा है। तो इस वीक अगर मैं देखेंगे तो इस जगह पे एक ग्रीन कैंडल अगर बन गया तो इसको बोल सकते हैं मॉर्निंग स्टार और करेक्शन ओवर हो गया। तब इसमें भी क्या दिखेगा, एक ऊपर की तरह ऐसा मूव दिखेगा, मतलब RSI में। तो जो भी डाइवर्जेंस बने हुए, जो भी बने हम लोग वो देखेंगे बाद में। तो अभी मेरे को इसका डेली चार्ट थोड़ा देख लेते हैं। मैं क्यों इतना बोल रहा था, डेली चार्ट पे ऑलरेडी एक मॉर्निंग स्टार बना दिया इसने। इस जगह पे अगर देखोगे एक पूरा नेगेटिव बियरिश कैंडल, उसके बाद एक मतलब ये भी बियरिश कैंडल ही बोल सकते हैं कि ऊपर के जाने की कोशिश कर, लेकिन इसका ना ओपन मतलब ओपनिंग क्लोजिंग सब जो PBS क्लोज है उसके नीचे ही है, लेकिन नेक्स्ट डे ये पूरा गैप अप है और एक तो मॉर्निंग स्टार जैसे पैटर्न बनाया। तो मॉर्निंग स्टार जैसे पैटर्न देखो, इसको एक कॉन्फर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे कॉन्फर्मेशन, तो इस जगह पे एक पूरा पैटर्न तो बन गया, इस जगह पे मेरे को एक ग्रीन कैंडल चाहिए। तो मंडे अगर इस जगह पे कॉन्फर्मेशन वाला ग्रीन कैंडल मिल गया, तब मैं बोल सकता हूँ ये अभी मतलब ये ऊपर की तरह जाएगा, करेक्शन अभी के लिए शायद ओवर हो गया और ऐसा ऊपर जाएगा। एक बार से तो ऐसा नहीं जाएगा, वो मेरा गलत है। एक्चुअली करेक्शन कब ओपन होता है, देखो इस जगह से आएगा तो शायद इस जगह पे तक जाएगा, फिर से एक ऐसा आएगा, एक हायर लो जैसे बनाएगा और इस जगह पे एक डब्लू पैटर्न बनाएगा। जैसे कोई भी करेक्शन कैसे ओवर होता है देखो, मतलब इस जगह से सोचो इधर तक गया, ऐसा आया, इस जगह पे एक हायर लो बनाएगा। अगर ये हायर लो वाला क्या होता है, जब ये बनता है तब तो हम लोगों को वो एक्यूमुलेशन के टाइम होता है, तो उस जगह पे हायर लो बना के ऐसा डब्लू पैटर्न बनाएगा, तब बोलेंगे करेक्शन ओवर होगा। तो अभी करेक्शन ओवर है या नहीं है ये बोलने का टाइम अभी तक नहीं हुआ, तो अभी एक फर्स्ट सिग्नल दिख रहा है। तो ये नाजडेक का हो गया, मैंने वही बोला था नाजडेक, जब भी डाउ जोन्स भी ऐसा ही है, डाउ जोन्स भी अगर देखेंगे उसमें भी मॉर्निंग स्टार ही मिल रहा है। ये देखो इस जगह पे और भी परफेक्ट मॉर्निंग स्टार, तो इसमें भी क्या हो सकता है, देखो एक मॉर्निंग स्टार मिला इस जगह पे, अगर कॉन्फर्मेशन कैंडल मंडे मिल गया तो ऐसा ऊपर जाके शायद ये नीचे आके एक हायर बॉटम बनाएगा। तो हम लोगों को अगर देखना है ये नीचे आने के बाद इस जगह के अगर एक हायर बॉटम बना रहे उसके बाद डब्लू पैटर्न, तो ये जो हायर लो जैसे बनाएगा तब से हम लोगों को एक्युमुलेशन करना चालू करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे सर कहाँ से बाय ऑन डीप, बाय ऑन डीप। देखो फ्रेंड्स, कोई बोल नहीं सकते मार्केट कितना दूर जाएगा, तो मार्केट जब ऐसा एक मतलब ये ऊपर जाके नीचे आके नीचे वाला लास्ट लो क्रॉस नहीं कर पाया और इस जगह पे एक डब्लू पैटर्न बनाया, तो ये जो जोन ये लास्ट लो जब बनाता है तब एक आधा खरीद लो, ये 50% या तो 30% आप इन्वेस्ट करो, उसके बाद जब ये हाई को क्रॉस करेगा तब फुल इन्वेस्ट करो। तो ये होता है आपका मतलब कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। चलो अभी निफ्टी का भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। निफ्टी तो पैटर्न जो है बहुत ही मतलब जो है खराब है, थोड़ा सा इसको पुराना जो पैटर्न है उसको रिमूव कर देते हैं। क्यों निफ्टी का देखो वीकली चार्ट अगर देखेंगे तो इसमें तो मतलब कोई भी होप नजर नहीं रहा है, आ रहा है। देखो इस जगह से कंटिन्यूअस मतलब एक ना एक बियरिश कैंडल बना रहे और नीचे आ रहे। इस वीक मतलब इस दिन फ्राइडे मैंने बहुत ही होपफुल हो गया था पूरा दिन, लेकिन देखो ऊपर गया लेकिन ऊपर स्टे नहीं कर पाया, और उस दिन का जो लो है
लास्ट दिन का उसका थर्सडे का लो है उसके भी नीचे क्लोज हुआ, थर्सडे का मतलब सॉरी लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ, थर्सडे का जो क्लोजिंग है उसके भी नीचे क्लोज हुआ। तो ये किसी को भी मतलब होपलेस कर लेने के लिए बहुत मतलब ज्यादा मतलब वो है, काफी है, अकेला काफी है किसी को होपलेस करने के लिए। लेकिन अभी उतना होपलेस होने का जरूरत नहीं है। कहाँ पे देखो मैं बोल सकता हूँ इस जगह पे लास्ट बार जो करेक्शन आपका मतलब करेक्शन कंप्लीट हुआ था सपोर्ट रेजिस्टेंस इस जगह पे, ये जो सपोर्ट एक जोन है इस जोन से लास्ट बार वापस आया, अभी इस जोन के अंदर ये है, ये बहुत ही एक खराब सिग्नल है क्योंकि इस जोन के अंदर स्टे कर रहा है। लास्ट बार क्या था, एक कैंडल स्टे किया था, नेक्स्ट कैंडल में इस जोन के ऊपर आ गया था, लेकिन इस जोन के अंदर एक कैंडल दिया, दूसरा कैंडल वो ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन नेक्स्ट उसी कैंडल का क्लोजिंग तो नीचे ही आया। तो ये अगर इधर 3 4 दिन स्टे कर दिया तो मैं बोल सकता हूँ इस जोन को ये तोड़ेगा। लेकिन अभी जैसे यूएस मार्केट में भी थोड़ा बाउंस बैक दिख रहा है, तो इंडियन मार्केट में भी बाउंस बैक हुआ, तो नेक्स्ट कैंडल मंडे शायद इस जोन के ऊपर आ जाए तब मैं बोल सकता हूँ। और इस जगह पे मतलब एक इस जोन के अगर ऊपर आ जाए इस जगह पे एक डाइवर्जेंस भी दिखेगा। देखो लास्ट तो लास्ट डे का जो लास्ट बार का जो लो था तो वो लो के हिसाब से आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई उससे नीचे आ गया, तो इस जगह से अगर ये बाउंस करेगा तो आरएसआई में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखेगा और इस जगह से बॉटम मतलब डबल बॉटम जैसे पैटर्न बनाएगा। देखो अभी इस जगह पे एक चैनल जैसे बन रहा है कंटिन्यूअसली, मतलब ये चैनल का नीचे टच करे और ऊपर टच करे, अगर इस जगह से ये वापस जाएगा तो बोल सकते हैं जो जो बियर है उसने इसको चैनल का नीचे तक ले नहीं आ पा लेकर आ नहीं पाया, तो बियर वीक पड़ रहा है। तो लेट्स सी यूएस मार्केट बाउंस बैक कर रहे हैं, अगर मंडे भी वो ट्रेंड पकड़ के रखे तो मतलब निफ्टी भी ऑब्वियसली बाउंस बैक करेगा। तो निफ्टी देखो वो अभी इसका आरएसआई जो है 26 का लेवल पे है, मतलब 26 मतलब बहुत ही ओवरसोल्ड जोन पे है, जो मतलब बहुत ही रियली हो जाता है। अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे थोड़ा सा तो ऊपर है, लेकिन 37 का जोन पे चला गया, लेकिन अगर वो देखेंगे देखो 32 35 से 37 का मतलब 30 से 40 के बीच में से वीकली चार्ट पे अगर रहे तो उसको ओवरसोल्ड ही बोलते। देखो 30 के आसपास से ही हमेशा वापस आता है, तो मतलब बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड तो नहीं बोल सकता, लेकिन ज्यादा थोड़ा ज्यादा ओवरसोल्ड ही हो, क्योंकि दूसरे बात है डेली चार्ट पे मतलब देखो अभी इतने सारे दिन से करेक्शन हो रहा है लेकिन इतना नीचे कभी नहीं आया, 26 से अभी रिसेंटली नहीं आया, तो मैं बोल सकता हूँ डेली चार्ट पे बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है, उस जगह से मेरे को होप लग रहा है। दूसरा होप है यूएस मार्केट थोड़ा सा प्लस इस दिन एक मॉर्निंग स्टार जैसे पैटर्न दिया तो हमारा निफ्टी में भी वैसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अगर 2 दिन इस जगह पे सोचो एक ग्रीन कैंडल बना तो कैसे होगा मैं दिखा देता हूँ, अगर कैसे होगा तो हम लोग बोलेंगे। देखो शायद इस दिन मंडे ऐसा नीचे खोला और एक ग्रीन कैंडल देके इसको क्लोज दे दिया, क्योंकि कैंडल अगर ग्रीन कैंडल होगा तो बड़ा कैंडल ही होगा क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा शॉर्ट है, तो शॉर्ट पोजीशन को कवर करने के लिए बड़ा कैंडल बनेगा वो, थोड़ा मतलब अगर ग्रीन रहा और उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल मिल गया तो मैं बोल सकता हूँ ये करेक्शन होगा। क्यों क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो ये मैंने बोला चैनल का नीचे नहीं जाके ऊपर जा रहे, ये हमारे लिए एक बड़ा बड़ा, लेकिन हम लोगों को इधर खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए फ्रेंड्स? देखो ऊपर जाएगा तो मतलब वो वापस भी आके नीचे जा सकते हैं, अगर ऊपर जाएगा ऐसा मतलब देखो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर ऊपर जाएगा तो इस जोन से फिर से वापस आएगा, ऐसा वापस आया और सोचो ये जो लो है इसके नीचे नहीं जा पाया और अगर इधर से फिर से ऊपर जाना चालू कर दिया तब मैंने बोलूंगा कि करेक्शन इधर ऊपर हो गया, तो इस जगह से फिर से खरीदना चालू करेंगे और इसको कवर करेंगे, इसके ऊपर जाएगा तो और भी ज्यादा करके खरीदेंगे। तो ये मेरा मतलब पर्सनल ओपिनियन है, एक्चुअली मैं जनरली निफ्टी में ऐसा नहीं देखता हूँ, मैं कहाँ पे देखता हूँ वो भी बता देता हूँ। ऐसा पैटर्न अगर स्मॉल कैप इंडेक्स में बनता है, देखो निफ्टी देखो निफ्टी स्मॉल कैप मतलब एक चीज तो अच्छा है, देखो जो बुधवार को लो दिया था वो लो को अभी तक तोड़ा नहीं है, नीचे से एक
एक जो भी है एक दोस्ती जैसे बना, उसके ऊपर से ऊपर जाने की कोशिश कर, लेकिन ऊपर जा नहीं पाए, लेकिन अल्टीमेटली 1% ऊपर क्लोज हुआ। क्योंकि इस जगह पे क्या निफ्टी बहुत ही ज्यादा, देखो आरएसआई बहुत 17 पे चला गया था एक टाइम, मैंने देखा कि थोड़ा सा ऊपर आने से 19 के आसपास आया, तो आरएसआई बहुत ही नीचे है। और वीकली चार्ट पे भी देखो कि 30 के आसपास है। अब देखो जितना करेक्शन लगभग होता है 30 से 38 के बीच में से ही ये होता है, मतलब 30 से 28 25 इस जोन का बीच में से इसका करेक्शन ओवर होता है। चलो अभी ये थोड़ा मेरे को क्रिटिकल तो है, तो कैसे इसको देखते, थोड़ा तो ओवरसोल्ड तो है निफ्टी, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी से ये मतलब ये थोड़ा ओवरसोल्ड ही रहता है, मतलब जब भी करेक्शन ओवर होता है मरता तो यही है। थोड़ा सा ट्रेंड लाइन मेरे को बराबर बनाना है। तो मैंने इसको टच कराया, इसको टच कराया, लेकिन इसको नीचे नहीं हुआ तो गलत ही हो गया ना। तो जो भी ये ट्रेंड लाइन को देखो, ये जो ट्रेंड लाइन से ये चल रहा है, तो इस जगह से एक बार ऊपर गया, इस जगह से फिर से टच करके ऊपर गया, तो उसको थोड़ा सा ब्रेक किया, लेकिन एक चीज अच्छा है, इधर नीचे से उसको मतलब एक थोड़ा सा टेल जैसे, मतलब नीचे से इसका बाइंग आ रहा है। तो अभी देखो अगर बैंक स्मॉल कैप का देखेंगे, स्मॉल कैप इस जगह पे लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है। देखो अल्टीमेटली इस जगह से एक बड़ा डाउन ट्रेंड चालू हुआ था, और जब ऊपर जा रहा था तब देखो इसको ब्रेक करने में के लिए थोड़ा सा टाइम तो लिया था। ये जो जोन है इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जिसका मतलब 2018 से देखेंगे, 18 से 2021 तक, मतलब 3 साल इस जगह पे इसके नीचे कंसोलिडेट कर, तो इसको इतना आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। ये थोड़ा सा नीचे भी आए तो ऐसा नीचे आके ये ऊपर ही जाएगा अल्टीमेटली। तो मेरे को जो अभी मेरा पर्सनल जो व्यू है इसके लिए, देखो इस जगह पे एक ट्रायंगल जैसे ये बना रहा है, तो ये ट्रायंगल जैसे बना रहा है, तो इसको मेरे को इधर से लग रहा है ये ऐसा जा सकता है। तो चलो वो तो मैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड जोन पे आ गया। और दूसरा क्यों मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इस जगह से अगर चलो मेरे को लग रहा है इस जगह से जाना जा रहा है तो खरीदना चाहिए, मैं बोलूंगा नहीं। क्यों नहीं, देखो जब भी मतलब वापस गया तब क्या हुआ, देखो इस जगह पे भी एक करेक्शन कंटिन्यूअसली हो रहा था, इधर से नीचे आया, लेकिन अल्टीमेटली कब वापस गया, देखो इस जगह पे ये इधर तक क्या था, बार बार इसको लास्ट लो को ब्रेक कर रहा था, तो ये नीचे आया, लेकिन इस जगह पे क्या हुआ, ये जो लो है उसको ऊपर से बैक किया तो बड़ा। और इस जगह पे देखो ये जो मैंने जो बोल रहा था डब्लू पैटर्न का, इस जगह पे आया, इससे ये नीचे गया, तो ये चीज जब बनेगा तब मैंने 50% तो ले लूंगा, और इस जगह पे इसको क्रॉस करेगा तो बाकी 100%। देखो तो ये भी फिर से इसको ऊपर जाने दूंगा, शायद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद इस जगह पे एक गैप है, शायद इसको फिल करके शायद नीचे आए और नीचे इस जगह पे एक हायर लो दे, हायर लो के बाद डब्लू पैटर्न बनाएगा। ये डब्लू पैटर्न अगर इस बार बना दिया तो ये ऊपर ही आएगा। तो ठीक है, क्यों मैंने इतना कॉन्फिडेंसली बोल रहा हूँ, देखो कॉन्फिडेंसली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा हम लोगों को देखना पड़ता है, पुराना इस तरह का कोई पैटर्न बना ही नहीं। तो अगर मैंने पुराना मतलब पीछे जाएंगे, देखो इस तरह का पैटर्न मतलब कैसे मेरे को जो मतलब चार्ट रीडिंग्स होता है, देखो एक बहुत ही बड़ा स्टीप मूव और उसके बाद एक कंसोलिडेशन, तो वैसा मूव कहाँ बना वो एक बार हम लोगों को देखना पड़ेगा। निफ्टी में पुराना कभी बना या नहीं,
देखो इस जगह पे क्या हुआ था 2014 में, एक स्टीप मूव बना था ऑलमोस्ट 2500 से, मतलब कुछ ही वीक में चला गया था 5300 में, मतलब एक भयंकर मतलब अप मूव आया था मार्केट में। और देखो मैं बोला इतना बड़ा अप मूव आता है तो उसके बाद अचानक से पटक से गिर नहीं सकता, गिनना होता तो एकदम डायरेक्ट गिर जाएगा। तो इस जगह पे अगर देखोगे, देखो इस जगह पे एक ब्रेकआउट फेल, मतलब ब्रेकआउट दिया था लेकिन ब्रेकआउट फेल्योर था, और इस जगह पे एक करेक्शन पे चला गया था। तो इस जगह पे अगर देखेंगे, देखो ऐसा एक चैनल बना रहा था, चैनल के नीचे थोड़ा सा तोड़ के, चलो बना के दिखा देते। मैं आप लोगों को जैसे ग्रुप पे तो दिया था जे इसमें सिमिलरिटीज क्या है, तो जैसे ये पैटर्न और वो पैटर्न देखो दोनों ऑलमोस्ट सेम है मेरे को जो लग रहा है। देखो थोड़ा सा इस जगह पे ब्रेक किया और ब्रेक करके उसके बाद अल्टीमेटली ये तो उसको मतलब तोड़ के निकल गया। तो इस जगह पे एक ब्रेकआउट फेलियर था, एक स्टीप मूव था, उसके बाद कंसोलिडेशन किया, और देखो फाइनल जो ब्रेकआउट है उसके पहले क्या था कि हेड एंड शोल्डर जैसे ब्रेकडाउन था, जैसे अभी भी मतलब अभी का चार्ट में भी बनाया है। ये ब्रेकडाउन दिया लेकिन उसके बाद ऊपर चला गया। तो इस जगह पे भी अगर देखोगे मैं चलो, और एक चीज मैंने जो आप लोगों को बोल रहा था तो उस जगह पे भी देख लेता हूँ जो वैसा बना था या नहीं। देखो जो करेक्शन ओवर हुआ था मैंने बोल रहा था ना, ये है वो वाला, देखो नीचे से शार्प ऊपर आया, इससे ऊपर गया लेकिन रह नहीं पाया, एक डब्लू पैटर्न जैसे बनाया। तो ये डब्लू पैटर्न का नीचे मतलब जब ये जो लो है, लो से ऊपर एक लोअर हाई बनाया और इस जगह पे डब्लू को ब्रेक किया। तो हम लोग को ये दो स्टेज में मतलब जो स्टॉक है वो लेना है। मैंने एक लिस्ट तो दूंगा आप लोगों को स्टडी के लिए, कोई रिकमेंडेशन सर्विस मैं नहीं चलाता हूँ या तो रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, तो जस्ट स्टडी के लिए एक लिस्ट तो मैं दूंगा, कल या परसों दे दूंगा, थोड़ा सा मार्केट मेरे को कंफर्मेशन होने दीजिए, तो उसके बाद मैंने शेयर करूंगा। मैं लिस्ट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए तो दूंगा। तो इस जो 2014 में, तो इस जगह पे भी शायद वो, उस जगह पे देखिए RSI एकदम 25 20 मतलब 8 ऐसा जोन पे था। तो अभी देख लेते ये दोनों का सिमिलरिटीज। देखो एकदम दोनों का पहले एक बड़ा अप मूव है, बड़ा अप मूव है इस जगह पे, ये वाला देखो एक मतलब चैनल जैसे अंदर से बन रहा था, और इस जगह पे भी आप देखोगे एक हेडल सुंदर जैसे ब्रेकडाउन। तो ठीक है, तो अभी सेम चीज इधर भी फॉलो करेंगे। और देखो इस जगह पे भी जो था एक सपोर्ट था 2 साल का, तो वो सपोर्ट पे ही रिटेस्ट करके ऊपर गया, ये भी 2 साल का एक सपोर्ट है उसको रिटेस्ट कर रहे। तो मतलब देखो कोई भी चार्ट, मैंने लास्ट टाइम में दिन भी बोला था जे लास्ट जो जोन होता है ना वो कैपिटुलेशन जोन होता है, वो जोन में ऐसा लगता है कि करेक्शन कभी एंड नहीं होगा, और हम लोग सब क्या करते हैं इसमें बेच में निकल जाते हैं, और उसके बाद ही एक बहुत बड़ा मूव आता है। मेरे को पता है मार्केट को कोई भी एंगल से दिख रहा है तो उस जगह से प्योरली बियरिश ही दिख रहा है। चलो फ्रेंड्स अभी तो बहुत कुछ बोल दिया, जैसे वैसे बहुत कुछ बताया, जैसे US मार्केट कैसे लग रहा है, नास्डैक देख के मेरे को थोड़ा होप लग रहा है क्योंकि मॉर्निंग स्टार बनाया डेली चार्ट पे, और वीकली चार्ट पे भी इस वीक में भी एक ग्रीन कैंडल दिया, तो नास्डैक में भी एक मतलब वीकली चार्ट पे भी एक मॉर्निंग स्टार बन जाएगा जो बहुत ही अच्छा है। और आप लोगों को सबको पता है US मार्केट में जो होता है वो हमारा मार्केट भी फॉलो करेगा, और हमारा मार्केट भी बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड जोन में है, कई एक क्या पता इस वीक में मतलब एक डब्लू पैटर्न बन जाए और मार्केट बॉटम बॉटम बन जाए। तो बॉटम बने या नहीं बने उसके लिए तो हम लोग कोई प्रिडिक्शन नहीं लेना चाहते जो इस वीक में बनेगा, लेकिन मेरे को लग रहा है ये शायद बॉटम बहुत नियर है और इस जगह से ही बनेगा, और अगर उस जगह से
एक वो इस तरह जैसे मैंने W जैसे दिखाया उसे पैटर्न बनाए, तो उस जगह से हम लोग बाय करेंगे। तो अभी के लिए हम लोगों को जो पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है तो इस जगह पे बेचना, मतलब मेरा हिसाब से तो बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको बेचना था तो टॉप पे बेचना चाहिए तो वो भी कोई बेच नहीं सकते, तो मान लो कि बॉटम में बेचेंगे। तो आप लोग अगर मैं जैसे जो भी स्टॉक पकड़ता हूँ कॉन्विक्शन के साथ पकड़ता हूँ, तो उसमें अगर स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, देखो कोई भी स्टॉक स्टॉप लॉस हिट होता है तो एकदम से नीचे नहीं चला जाता है, वो बाउंस करने आता है, तो मैं बाउंस में जनरली बेचता हूँ। तो बाउंस होने दीजिए, उस जगह पे बेचेंगे, नहीं अगर जरूरत पड़े तो मार्केट अगर ऊपर का लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाए तो बेचते के ऐसे पैनिक में, पैनिक के दिन में तो नहीं बेचना है। चलो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। वीडियो कैसे लगे बताए, और दूसरे बात है ये मतलब मेरा जो सब कुछ ये सब लर्निंग पर्पस के लिए, कोई रिकमेंडेशन या कोई पर्पस पे के लिए नहीं है। आप लोग अगर कोई भी डिसीजन बेचने या सेल करने के ले रहे हो, आपका खुद का स्टडी के हिसाब से ले लो, मैं उसके लिए कोई आपका प्रॉफिट या लॉस के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। चलो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।